राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि सिद्धार्थ सत्य की खोज के लिए राजमहल को छोड़कर वन में चले जाते हैं, जहां उन्हें कठोर तपस्या के बाद बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात वे धर्म के प्रचार के लिए काशी में जाते हैं और फिर वे वेणु वन के लिए प्रस्थान करते हैं। अब सुनिए इससे आगे की कहानी। इस भाग का शीर्षक है अनाथ पिंडद की दीक्षा। एक बार उत्तर की ओर से कोसल देश का एक धनी गृहपति वेणुवन आया। गरीबों को दान देना उसका स्वभाव था, इसलिए वो सुदत्त नाम से प्रसिद्ध था। जब उसने सुना कि महामुनि यहीं निवास कर रहे हैं तो उनके निकट गया और उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। तथागत ने उसका श्रद्धा भाव देखकर कहा, हे सौम्य, तुम धर्म को जानते हो। दर्शन की लालसा से रात्रि के समय भी अपनी निद्रा को त्याग कर तुम यहाँ आए हो, इसलिए तुम नैष्ठिक पद के अधिकारी हो। आओ, तुम उसी परम पद के दर्शन करो। निष्काम दान करने से इस लोक में यश और परलोक में उत्तम फल मिलते हैं, अतः तुम दान करो, शील और शिष्टाचार का पालन करो, विषयों की आसक्ति त्याग कर सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाओ। महामुनि के उपदेश सुनकर सुदत्त गृहस्थ होते हुए भी तत्व ज्ञान प्राप्त कर सका और जीवन मुक्त हो गया। क्योंकि तत्व बोध के लिए वनवास करना आवश्यक नहीं, उसने आदर पूर्वक भगवान बुद्ध से निवेदन किया, हे महात्मन, मैं श्रावस्ती नगर का निवासी हूँ। मैं वहाँ आपके लिए एक विहार बनाना चाहता हूँ। आप जैसे अनासक्त के लिए वन और राजभवन दोनों ही समान है, फिर भी मुझ पर दया कर आप वहाँ पधारे और निवास करें। भगवान बुद्ध ने सुदत्त का अनुरोध स्वीकार किया और अपने एक शिष्य उपतिष्य को उसके साथ भेज दिया। सुदत्त और उपतिष्य धीरे धीरे कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती पहुंचे और विहार बनवाने के लिए उपयुक्त भूमि खोजने लगे। अंत में उन्हें मनोहर वृक्षों से भरा जेतवन दिखाई दिया, जो उन्हें विहार के लिए उपयुक्त लगा। उन्होंने उस वन के स्वामी के साथ भूमि खरीदने के लिए बातचीत की। उस वन का स्वामी बड़ा लोभी था। उसने कहा कि यदि तुम इस भूमि को धन से ढक दो तो भी मैं इसे बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। सुदत्त ने उसे समझाया कि मैं ये भूमि
विहार बनाने के लिए खरीदना चाहता हूँ। वो बड़ी मुश्किल से भूमि बेचने के लिए तैयार हुआ और बहुत धन लेकर उसने वो भूमि बेच दी। जब सुदत्त ने उदारता पूर्वक इस भूमि के लिए प्रभुत धन राशि प्रदान की तो वन के स्वामी जेत का मन भी बदल गया। उसके हृदय में भगवान बुद्ध के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया, इसलिए उसने शेष वन भी तथागत के विहार के लिए दे दिया। सुदत्त ने विहार निर्माण का कार्य उपतिष्य की देखभाल में प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे विशाल विहार बनकर तैयार हो गया। संक्षिप्त बुद्ध चरित। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे एक कार्यक्रम, मूल कथा महाकवि अश्वघोष, आलेख प्रोफेसर माणिक गोविंद चतुर्वेदी, सहयोग प्रोफेसर अनिरुद्ध रॉय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार मंजू मैनी, जितेंद्र राम प्रकाश और कीमती आनंद, तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार, तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े, ध्वनिंकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।